This class we are going to proceed with our NCERT question answers of chapter 8 question. First question kya hai aapka? An object has moved through a distance. Ek object hai aapka jisne distance travel kiya hai. Ek object hai jisne kya travel kiya hai? Ek particular distance. Can it have zero displacement? Kya iski zero displacement ho sakti hai? Fir aapse pucha ja raha hai if yes, support your answer with an example. Agar ho sakti hai तो आप बताओ कैसे एक एग्जांपल्स के तो कोई सिंपल सी बात है. हमने क्या स्टडी किया था डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट का जो मेन जो मीनिंग होता है दैट इज चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन इट मींस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए से स्टार्ट कर ए से कहां पर गया बी पर तो बी से कहां पर आ गया फिर ए पर आ गया तो क्या इसकी पोजीशन में कोई चेंज आया. अब क्या कहा एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है. मान लो ए टू की उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है 10 मीटर. फिर वो बी से ए पर आएगा तो कितना है 10 मीटर. तो डिस्टेंस अगर हम बात करें तो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया उसने कैन आई से दैट 20 मीटर. बट क्या डिस्प्लेसमेंट है बिकॉज इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन अभी भी क्या है इसकी सेम. आप किस तरह से आंसर दोगे योर आंसर विल बी Your answer will be yes. It can have zero displacement. Basically, zero displacement हो सकती है if in spite of moving through a distance, initial and final position are still same. अगर इसकी initial और final position same होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी displacement है वो क्या होगी? Zero. ऐसी समझ में आ रही है? ठीक है. Next question है आपका. The next question is a farmer moves along the boundary of a square field. चीज को समझने के लिए हम एक स्क्वायर बना लेते हैं. मान लो फार्मर जो है वो इस स्क्वायर फील्ड बाउंड्री पर मूव कर ठीक है. तो क्या कहा गया आपको फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फीट जिसकी साइड कितनी है 10 मीटर. यानी इसकी स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है इक्वल होती है. तो जो इसकी साइड है आपकी जो इसकी साइड है वो कितनी है 10 मीटर. कितनी है 10 मीटर. फार्मर इस पूरी बाउंड्री स्क्वायर फीट की बाउंड्री को जैसे कि मान लो फार्मर इस पॉइंट ए से स्टार्ट करता है. पॉइंट ए से स्टार्ट करता है ये कितना है 10 मीटर. और स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है इक्वल होती है. तो ये 10 मीटर है ये भी कितना होगा 10 मीटर. ये भी कितना होगा 10 मीटर. और ये भी कितना होगा 10. ये समझ में आ रहा है ठीक है. अब फार्मर ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया तो ये कहा जा रहा है फार्मर पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और फिर पॉइंट ए पर वापस पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है कितने सेकंड में 40 सेकंड. तो देखो कैन आई से दैट 40 सेकंड के बाद अगर मैं फार्मर की डिस्प्लेसमेंट चेक करता हूं तो जीरो होगी. व्हाई बिकॉज पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ था और आफ्टर 40 सेकंड वो पॉइंट ए पर ही आ गया. ये बात समझ में आ रही है ठीक है. फिर क्या कहा गया व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड. अब 2 मिनट 20 सेकंड देखो 2 मिनट 2 मिनट का मतलब क्या हो गया 2 * 60 और ये कितने सेकंड हो गए 120 सेकंड. ये चीज समझ में आ रही है. फिर आपको कहा जा रहा है 2 मिनट 20 सेकंड. तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए 120 फिर ये 20 सेकंड प्लस 20 तो टोटल कितने सेकंड हो गए 140 सेकंड. ये चीज समझ में आ रही है ठीक है. अब देखो 140 सेकंड का मतलब क्या हो देखो 40 सेकंड के बाद फार्मर की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जीरो. नेक्स्ट 40 सेकंड में फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी फिर वो एक सर्कल और पूरा करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी जीरो. नेक्स्ट 40 सेकंड में फिर अगर फार्मर जब मूव करेगा तो फिर वो पॉइंट ए से मूव करेगा और एक अपना राउंड कंप्लीट करेगा. तो 40 + 40 + 40 कितना हो गया 120. लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो कितना करना 140. तो इसमें ऐड कर दो 20 सेकंड और 40 सेकंड में वो ऐसी फोर साइड कंप्लीट करता है. आफ्टर 120 सेकंड आफ्टर 120 सेकंड जो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो होगी सी. अब बचे कितने
20 सेकेंड कहना चाहिए 20 सेकेंड में वो इस पॉइंट पर आएगा भाई, 40 सेकेंड में वो 4 साइड्स कंप्लीट करता है 10 मिनट में, तो 20 सेकेंड में कितनी साइड कंप्लीट करेगा, 2 कंप्लीट करेगा। लेट दिस पॉइंट बी सी, लेट दिस पॉइंट बी डी एंड लेट दिस पॉइंट बी डी, ये चीज समझ पा रहे हो ठीक है। तो दिस इज द फार्मर्स इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजिशन, ये फार्मर की क्या है इनिशियल पोजिशन है, और ये जो है फार्मर की क्या है फाइनल पोजिशन, दिस इज फार्मर फाइनल पोजिशन, ये चीज समझ में आ रही है ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा आपका एसी। अब स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है कि सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री। अब आपको ये वाली साइड पता है 10 मीटर, ये वाली साइड पता है 10 मीटर। राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इस साइड को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना कैसे, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, क्या इन राइट ट्राइंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये चीज समझ में आ रही है आपको ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी कितना आपका 10 स्क्वायर प्लस में बी सी भी कितना आपका 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 100। तो बेसिकली आपका जो ए सी स्क्वायर है, जो आपका ए सी स्क्वायर है ये किसके इक्वल आ गया 100 प्लस 100, ये कितना हो गया आपका 200। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 200, ये चीज समझ में आ रही है। इट कैन बी डन एज 2 into 100, 2 into, अब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है रूट 2, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10√2 मीटर, ये चीज समझ आ रही है ठीक है। ये तो हो गया इसका कंसेप्ट, अब प्रेजेंटेशन किस तरह से शो करोगे आप, आप एक स्क्वायर फील्ड बनाओगे जिसकी सारी साइडें कितनी है 10 मीटर। अब लिखोगे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना है 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट का मतलब 2 into 60 plus 20 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया 140 सेकेंड, ये चीज समझ में आ गई। तो टाइम टेकन, तो देखो 140 सेकेंड का टाइम लगा है, तो फर्स्ट राउंड में कितना डिस्टेंस कवर, फर्स्ट राउंड कवर करने में कितना टाइम लगा है 40 सेकेंड, इसमें डिस्टेंस कवर तो कितना होगा 40, कितना डिस्टेंस कवर होगा 40। सेकेंड राउंड कवर करने में फिर कितना, भाई फर्स्ट राउंड में टोटल टाइम लगा 40, सेकेंड राउंड में क्या हो जाएगा 40 plus 40, यही होगा। तो सेकेंड राउंड कवर करने में कितना टाइम लगा 80 सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर कितना हो गया 40 फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में 40 और जुड़ गया, ये क्लियर हो गया। फिर थर्ड राउंड में डिस्टेंस कवर, थर्ड राउंड कवर, तो थर्ड राउंड में कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट राउंड में 40 सेकेंड, सेकेंड राउंड में 40 सेकेंड, थर्ड राउंड में और 40 सेकेंड हो गए, ये चीज समझ में आ रही है ठीक है। तो थर्ड राउंड कवर करते करते टोटल टाइम कितना हो जाएगा 120 सेकेंड, इसमें 40 मीटर और कवर हो जाएगा अगर डिस्टेंस की हम बात करते हैं। बाकी कितना टाइम बचा, टोटल टाइम कितना था 140 सेकेंड, कितना था 140 सेकेंड, अब कितना टाइम बचा 20 सेकेंड। बाकी के देखो 40 सेकेंड में 40 मीटर कवर हो रहा है, 40 सेकेंड में 40 मीटर कवर हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 1 मीटर कवर हो रहा है, ये चीज क्लियर हो गई, 1 सेकंड में 1 मीटर कवर हो रहा है ठीक है। तो 20 सेकंड में कितना मीटर कवर होगा 20 मीटर, 20 मीटर का मतलब अगर वो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है तो 10 plus 10, तो आफ्टर 140 सेकंड जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी पोजीशन, फार्मर की पोजीशन इस पॉइंट पर होगी, फार्मर यहां से स्टार्ट करेगा तो आफ्टर 140 सेकंड वो पॉइंट सी पर होगा, ये चीज समझ में आ रही है। आफ्टर 140 सेकंड वो कहां पर होगा पॉइंट सी पर, ये चीज समझ पा रहे हैं ठीक है। अब ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है एसी, तो अगर टोटल डिस्टेंस कवर निकालना है तो कितना हो गया 40 plus 40 plus 40 plus 20, तो टोटल डिस्टेंस कवर तो कितना हो गया 140 मीटर। बट अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू एसी, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो किसके इक्वल होगा एसी, समझ में आ रही है ठीक है। कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस
You can see that. ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट सी, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है इसे। तो आपने क्या किया, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा दैट इज एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये स्क्वायर कितना हो गया आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना होगा टेन स्क्वायर, बेस स्क्वायर कितना हो गया टेन स्क्वायर, ए जी स्क्वायर हो गया, टेन का स्क्वायर कितना हो गया हंड्रेड, टेन का स्क्वायर कितना हो गया हंड्रेड, ए जी स्क्वायर हो गया, हंड्रेड प्लस हंड्रेड कितना हो गया टू हंड्रेड, टू हंड्रेड को हम क्या लिख सकते हैं टू इन टू हंड्रेड। और देखो जब स्क्वायर जो होता है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को हम पेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं पेयरिंग, हंड्रेड का अगर आप पेयर बनाओगे तो कैसे बनेगा टेन इंटू टेन, हंड्रेड का अगर हम पेयर बनाएंगे तो कैसे बनेगा टेन इंटू टेन, तो ये हो जाएगा टू इंटू टेन इंटू टेन, टेन का पेयर बन गया तो ये आ गया टेन, क्या टू का पेयर माना, इसका पेयर नहीं बनता वो रूट में रहेगा, तो फाइनल आंसर तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी टेन रूट टू मीटर, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकती है, तो ये तो क्या है आपका फॉल्स, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है फॉल्स, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, योर आंसर विल बी दैट नन ऑफ ए एंड बी आर ना ए ट्रू है ना बी ट्रू, इज इट क्लियर, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 102 पर, this is the first question of page number 102, question is distinguish between speed and velocity, hame speed aur velocity ke beech mein kya karna hai difference find karna hai, iske beech mein speed aur velocity, dekho speed kya hoti hai scalar quantity, velocity kya hoti hai vector quantity, kyun scalar quantity hoti hai kyunki speed mein kya hota hai sirf magnitude hota hai और वेलोसिटी में क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन, ये क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो किस तरह से आप अपना आंसर रिप्रेजेंट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट डाउन, ऑन वन साइड वी विल राइट स्पीड, ऑन राइट साइड वी विल राइट वेलोसिटी, स्पीड इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये पॉइंट क्लियर है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है बाय बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, velocity vector quantity होती है भाई because it has magnitude as well as direction, clear है यहाँ तक, कोई doubt तो नहीं है, clear है, ठीक है। let's move to the next question, next question is question number 2, under what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed, आपसे पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में ये पॉसिबल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगा, देखो सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये चीज क्लियर है, ठीक है। फिर एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये कब इक्वल हो सकता है, देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है ना, टोटल टाइम ये तभी इक्वल हो सकता है जब टोटल डिस्टेंस जो है
वो टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो। और ये कब पॉसिबल है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट जो है अभी वो पॉइंट ए पर है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉइंट बी की तरफ, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे ये पर्टिकुलर पर्सन है या फिर फॉर दैट मैटर मान लो ये कार है, ये कार है, ठीक है। अब ये जो कार है ये ए टू बी ट्रेवल कर रही है और ये जो टोटल डिस्टेंस है मान लो कार ने जो ट्रेवल किया वो 5 किलोमीटर, तो कार की इनिशियल पोजिशन ए थी और फाइनल पोजिशन क्या है बी, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, और इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टर डिस्टेंस वो भी कितना 5 किलोमीटर। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, इन दैट केस जो टोटल डिस्टेंस होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। इज इट क्लियर, ठीक है। तो किस तरह से आप अपना आंसर रिप्रेजेंट करोगे, सिंपल सा आंसर आपका क्या होगा, इट इज पॉसिबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। इज इट क्लियर, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करेगा तब आपकी जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के क्या हो जाएगी। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये वन वर्ड का आंसर है आपका इसका। व्हाट इज द ऑडियोमीटर, व्हाट इज द ऑडियोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। देखो गाड़ियों में एक मीटर होता है ना जो ये बताता है कितना कितना किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, कितना किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, उसी को हम कहते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है। तो ऑडियोमीटर क्या मेजर करता है, कितना डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल किया, ये चीज समझ में आ रही है, कितना डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल किया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो जो पाथ वो ट्रेस होता है वो किस तरह का होता है। तो अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसा होता है, अब ये चीज कब पॉसिबल होता है, जब ऑब्जेक्ट जो होता है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो आप क्या कहोगे, इन केस ऑफ एन यूनिफॉर्म मोशन, इन केस ऑफ एन यूनिफॉर्म मोशन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर, विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। तो कितना टाइम लगा, 5 मिनट। असाइनमेंट क्या होती है, टाइम की सेकंड, तो उसको सेकंड में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 60 दैट इज 300 सेकंड। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप, आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको निकालना है स्मॉल एस फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। आपको स्पीड की बने, स्पीड कितना, 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का सिंबल होता है स्मॉल एस, स्पीड का सिंबल होता है कैपिटल एस। आपको डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, ये चीज समझ में आ रही है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकंड। टाइम टेकन कितना, 5 मिनट, जिसको आप सेकंड में चेंज करोगे तो 5 × 60 सेकंड, ये हो जाएगा 300 सेकंड। नाउ वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, व्हाट इज स्पीड, 3 × 10⁻¹⁸, एंड व्हाट इज टाइम, इंटू 300। सो फाइनली व्हाट वी विल हैव, 3 × 10⁻¹⁸ इंटू 300, 300 into 3 कितना हो जाएगा, 900 × 10⁻¹⁸। फाइनली व्हाट वी विल हैव, देखो क्या मैं 900 को ऐसे लिख सकता हूँ, 9 × 10⁻², बिकॉज 2 0 है,
इंटू 10^8। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, प्लस। तो इट विल बी इक्वल टू 9 × 10^10 मीटर। इज इट क्लियर? हाँ, तो कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पेज नंबर 103। दिस इज पेज नंबर 103, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 103 इज, When will you say a body is in uniform acceleration? अब कब कहोगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, या फिर कब आप कहोगे कि कोई बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में? तो देखो किस तरह से आप आंसर दोगे। When velocity of a body changes by equal amount, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट से चेंज होती है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय, डिफरेंस किसका आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है आपका अनइक्वल अमाउंट। व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज का है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि आपकी फर्स्ट 5 सेकेंड में जो स्पीड थी आपकी वो कितनी इंक्रीज हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये जो स्पीड है, नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो स्पीड है वो 20 से कितनी इंक्रीज होगी, 40। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो स्पीड है वो 40 से कितनी होगी, 60। तो हर 20 सेकेंड में स्पीड में कितना फर्क आ रहा है, 20-20 का ही इंक्रीज हो रही है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी जो चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, पहले 20 थी फिर 20 फिर 20 और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, जैसे कि टाइम तो इक्वल होगा 5 सेकंड फिर 5 सेकंड फिर 5 सेकंड, बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं होगा, वो किसमें होगा, अनइक्वल अमाउंट। अनइक्वल अमाउंट का मतलब पहले 5 सेकंड में मान लो जो आपकी स्पीड थी वो 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, फिर ये 40 से हो गई आपकी 80, फिर 80 से हो गई आपकी मान लो 160। तो यहां पर कितना चेंज हुआ है, 40 का, बट यहां पर कितना चेंज हुआ है, 80 का। तो क्या इक्वल चेंज हुआ है, नहीं। तो इसको क्या कहोगे, ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये क्या हो गया आपका, यूनिफॉर्म सारी चीजें क्लियर। ठीक है, फिर एक न्यूमेरिकल है आपका, दैट इज अ बस डिक्रीजेस इट स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। क्या कहा आपको, कि एक बस है जिसकी स्पीड पहले कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर, जो पहले वाली स्पीड होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ये हो गई आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। बाद में बस की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर होगी, इसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। और 80 से 60 आने में कितना टाइम लगा है, 5 सेकंड। तो ये हो गया टाइम टेकन। ये चीज समझ पा रहे हो? ठीक है, पहले चीज तो आप ये समझो कि जो वेलोसिटी होती है या जो स्पीड होती है उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, यहाँ किसमें गिवन है, किलोमीटर पर आवर।
तो 1 किलो जब भी किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो तो कैसे करोगे? वी विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 5/18। 5/18 से क्यों किया? बिकॉज 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18। तो जब मैं इस 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। इसी तरह से जब हम 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? 60 × 5/18। क्लियर? ठीक है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। कितनी गिवन है? 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। और मैंने डायरेक्टली क्या कहा? डायरेक्टली आप सीधा किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये किस में चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्टली जहां भी किलोमीटर पर आवर होता है जब उसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप उस वैल्यू को 5/18 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। 2 9 18, 2 4 8 0, 40 × 5 क्या हो जाएगा? 200 अपॉन में क्या हो जाएगा? 9 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? ये कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर। अगेन इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करो? 60 × 5/18 डायरेक्ट। ठीक है, कैसे आता है वो मैंने बता दिया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो जब भी किलोमीटर पर का मतलब अपॉन में, पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो डायरेक्टली ये सब ना लिख के डायरेक्टली आप क्या लिखो? 5/18, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके 5/18 ही आएगा। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 2 9 18, 2 3 6 0, 5 3 15, 115। अब आपने क्या किया? इनिशियल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, फाइनल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? ये देखो, आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे? हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी किया था, राइट? वी नो दैट वी इज इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस ए टी। अब देखो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने क्या कहा? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वट विल बी द वैल्यू ऑफ ए टी? दैट इज वी माइनस यू। तो वट विल बी, आपको ए फाइंड करना, तो ए विल बी इक्वल टू वट? वी माइनस यू बाई टी। इज इट क्लियर? ए टी किसके इक्वल होगा? ए टी विल बी इक्वल टू वी माइनस यू। आपको ए फाइंड करना है, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। सबकी वैल्यू पुट कर दो, बी की जगह क्या आएगा? बी की जगह क्या आएगा? 150/9, 150/9। फिर यू की जगह क्या पुट करोगे? यू की जगह अभी आपने फाइंड किया था, यू की जगह क्या आएगा आपका? दैट इज 200/9। इज इट क्लियर? 200/9। इन प्लेस ऑफ यू वी विल पुट 200/9। अब क्या होगा? 150/9 माइनस 200/9। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 9। ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा माइनस 200। इज इट क्लियर? जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -50/9, -50/9। क्लियर हो गया? अच्छा, अपॉन में आपका टाइम भी है, टाइम कितना? 5। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 5/1। जब न्यूमरेटर में जाएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 5/1 क्या हो जाएगा? 1/5। तो अपॉन में जो 5 था, न्यूमरेटर में जाके क्या हो गया? 1/5। अब इसको सॉल्व करोगे, 5 1 5 0, तो ये हो जाएगा -10/9, -10/9, दैट इज -1.1 m/s². इज इट क्लियर? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? -1.9 m/s². इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन
अगर ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है तो कैन आई से दैट उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, अभी जो स्टार्ट हुई तो पहले तो रेस्ट पोजीशन पर थी, ठीक है। देन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम, ये क्या हो गया टाइम। तो ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। फाइनल अब किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 18, राइट। 2 9 18, 2 2 4 0, तो क्या हो जाएगा 100/9। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 100/9 मीटर पर सेकंड। टाइम की असाइनमेंट क्या होती है, सेकंड, तो मिनट को सेकंड में चेंज करना, तो क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अभी आपने देखा एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, v माइनस u बाय t, तो v कितना हो गया 100/9, ये समझ में आ रहा है, u कितना हो गया आपका जीरो, और इन प्लेस ऑफ t बट वी विल राइट 600 सेकंड, इज इट क्लियर, ठीक है। तो कैसे प्रेजेंटेशन शो करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल initial velocity that is u, it is equal to 0 meter per second, final velocity that is v, 40 kilometer per hour, the 40 into 5 by 18, that is 100/9 meter per second, time ho gaya aapka 10 minute, that is 10 into 60, that is 600 second, so acceleration aapko find karna hai, aapko pata hai a is equal to kya hota hai, v minus u by t, so v ki jagah kya aa jayega 100/9, u ki jagah kya aa jayega 0, और टी की जगह क्या आ जाएगा 600, जिसको आप लिख सकते हो 600/1, तो 600/1 कैन बी रिटन एज 1/600, सो बट वी विल हैव 100/9 इनटू 1/600, 00 से 00 कैंसिल ही हो जाएगा 1/54, 9 6 54, 1 को 54 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ठीक है।